वेल, आप शायद इस बात पर यकीन ना करें, लेकिन सच है कि अमिताभ बच्चन ने अपनी बेटी श्वेता को अपने घर परिवार के बीच से आपसी तालमेल को बैठाए रखने के लिए, घर परिवार के बीच संबंध ना बिगड़े, इसके लिए उन्हें बाकी चीज़ों से बेदखल कर उन्हें सीधे प्रतीक्षा की जिम्मेदारी दे दी। प्रतीक्षा जो 50 करोड़ का बंगलो है, अमिताभ बच्चन का अब नहीं है, वो बंगलो अब श्वेता बच्चन का हो चुका है। श्वेता के नाम हो चुका है अमिताभ का ये आलीशान घर। आखिर क्यों अमिताभ ने इतने सालों बाद प्रतीक्षा को श्वेता के नाम किया? सवाल आपके जहन में होंगे तो आपको बता दें, इसके पीछे का कारण ये माना जाता है कि लॉकडाउन के समय से ही अमिताभ की सेहत के बारे में जानने के बाद श्वेता अपने परिवार के बीच ही रह रही थी, यानी कि मायका में रह रही थी, और बहू बेटी जहां एक साथ रहेंगी वहां कहीं ना कहीं तकरार हो सकती है और रिश्ते खराब हो सकते हैं। और जेंडर इक्वालिटी तो पहले से ही प्रमोट करते आए हैं अमिताभ, इसीलिए अपने जुबान के पक्के, वचन के पक्के अमिताभ ने अपनी बेटी को प्रतीक्षा दिया और जलसा में दखल ना दे श्वेता, उन्हें किसी तरह की शिकायत ना हो कि जलसा में उनका हक नहीं है, इसके लिए उन्होंने अपना घर सीधे श्वेता के नाम किया और बेदखल श्वेता इस तरह जलसा से हुई, जहां अमिताभ और जया चैन से रह रहे हैं।